शिवपुरी श्योरपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को उड़ाया। बाइक चालक की मौके पर दर्दनाक मौत, एक घायल। ग्रामीणों ने सड़क से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। शिवपुरी जिले के बोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी शहरा हाईवे पर पोहरी नगर परिषद के कचरा डंपिंग ग्राउंड के सामने सोमवार की सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक एवं बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं बाइक सवार युवकों को टक्कर मारने के बाद ट्रक मौके से फरार हो गया है। सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे में घायल युवक को पोहरी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घायल के परिजनों को सूचना देकर हादसे में मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सड़क हादसे में मृतक युवक का नाम सोनी पुत्र राजेंद्र आदिवासी निवासी मड़खेड़ा है। वहीं हादसे से अजय पुत्र घनश्याम आदिवासी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामले में मार्ग कायम कर पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। जो घायल है उनका क्या नाम है? इनका अजय नाम है। अजय कहाँ से आ रहे थे ये लोग? जी मड़खेड़े से आ रहे हैं। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए आ रहे थे? मड़खेड़े से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ऑटो उठाने आ रहे थे। पोरी पोरी जी चक्की पे। तो जी एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? जे मुर्गा के पास में हुआ। कैसे हुआ ये? ट्रक की कह रहा जी, कह रहा सब ट्रक ने टक्कर मार दिया। अच्छा बाइक से आ रहे थे। इनके साथ कौन था पीछे? पीछे वो खत्म नहीं हो दो ही थे। वो गाड़ी चला रहे थे, ये चला रहे थे। अच्छा ठीक ठीक सर, अभी एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई है, क्या कुछ घटनाक्रम है? घटना अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बाइक सवार में एक डंपर वाला एक्सीडेंट दे गया है। डंपर वाला अज्ञात है, अभी उसका पता नहीं चला है। तो घटनास्थल पर एएसआई चौहान साहब को भेजा गया था, उन्होंने पूरा बताया कि जो मृतक है उसका नाम है सोनी पुत्र राजेंद्र मोगिया 25 साल निवासी मड़खेड़ा का है, और दूसरा जो घायल है वो अजय पुत्र घनश्याम 26 साल निवासी दोगनी कपर विजयपुर का रहने वाला है। ये अपने रिश्तेदारों के फसल कटाने आए थे, आटा उठाने जा रहे थे। रास्ते में जो पोरी की नगर परिषद द्वारा जो कचरा ग्राउंड बनाया गया उसके सामने एक्सीडेंट हुआ। घायल को हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया और उसके पीएम के लिए एससी शाही को भेज दिया गया, कार्रवाई जारी और गाड़ी को तत्काल सीसीटीवी कैमरों से देख करके कार्रवाई की गई।